नमस्कार दोस्तों, बिहार ऑन स्पॉट में एक और नई रिपोर्ट, एक और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हम हाजिर हैं। और इस हम मौजूद हैं यहाँ सीतामढ़ी के डुमरा क्रॉसिंग पर। जी हाँ दोस्तों, ये डुमरा क्रॉसिंग है और ये यहाँ से जो क्रॉसिंग है और ये सामने हाईवे है, बाईपास हाईवे, और ठीक इसके बराबर में ये लाइन है डुमरा की, जो इस तरफ सीतामढ़ी की तरफ चली जाती है और इस तरफ जो है वो डुमरा का स्टेशन है, और फिर यही लाइन जो है आगे सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर को चली जाती है। तो ये मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी का जो है, सीतामढ़ी से आप निकलते हैं तो ये पहला स्टेशन पड़ता है। यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं इस क्रॉसिंग से और आपको आगे लिए चलते हैं। और इसकी खास बात ये देखिए कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन का तार दिखाई दे रहा है आपको, ये तार, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन रेडी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो ट्रांसफार्मर भी लग गए हैं, वायर भी खींच गया है, और ये मेरे ख्याल से आखिरी स्टेज में होगा जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिफिकेशन की जो भी लाइन है या जो इंजन है, ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन है, वो चलने लगेगी। कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल दूर तक आप देखिए तो आपको सन्नाटा ही नज़र आएगा। तो ये है स्थिति डुमरा की। नज़दीक चलते हैं, आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि डुमरा स्टेशन, जो लोग यहाँ सीतामढ़ी के हैं वो इस जगह को देख लीजिए, अपने स्टेशन को देख लीजिए, और ख़ास करके जो लोग डुमरा के हैं वो देख लीजिए अपने स्टेशन को, महसूस कीजिए इस मिट्टी की खुशबू को, क्योंकि बिहार ऑन स्पॉट की यही कोशिश है कि मिट्टी की खुशबू आप तक पहुँचे। आप देश दुनिया में कहीं भी हों, आपको अपनी जगह महसूस हो कि हाँ हम वो उस जगह पर हैं, हम उस जगह को महसूस कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि आप अपनी जगह को, अपनी मिट्टी को पकड़ के रखें और महसूस करें। देखिए डुमरा यहाँ से दिखाई देता है, ये है आपकी पहचान डुमरा स्टेशन। और यहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है और इस तरफ से यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये है डुमरा, प्लेटफॉर्म नंबर एक, प्लेटफॉर्म नंबर दो, और प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर मालगाड़ी खड़ी है। प्लेटफॉर्म है, घास उगाए हैं नीचे, फुट ओवर ब्रिज है, वहाँ भी कुछ लोग मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है स्थिति डुमरा स्टेशन की। आपको आगे दिखाते हैं, शेड के पास ले चलते हैं, शेड के पास दिखाते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। तो ये देखिए, ये फुट ओवर ब्रिज, एक नंबर से दो नंबर जाने के लिए। तो इस स्टेशन को तरीके से बनाया तो गया है, यहाँ पर बैठने के लिए जगह भी है, शेड भी है, दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके पहुँचने का रास्ता जो है, पहुँच पथ, ये हमने तलाश किया लेकिन मिला नहीं, तो हमें क्रॉसिंग होकर के आना पड़ा। तो हो सकता है कि इसका पहुँच पथ अभी भी उस हिसाब से विकसित ना हो। हालांकि यहाँ दिख रहा है रास्ता, यहाँ से रास्ता दिख रहा है, रैंप, इस रैंप के ज़रिए निकला जा सकता है। यहाँ कुर्सियाँ लगी हैं डुमरा स्टेशन पर, और ये मुख्य भवन है, यहाँ पर वेटिंग एरिया है, ये वेटिंग एरिया डुमरा स्टेशन की। धूल पड़ा हुआ है यहाँ देखिए, क्योंकि ट्रेन नहीं है, यात्री नहीं है, धूल धूल पड़ा हुआ है, सुनसान सन्नाटा। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए ये स्टेशन है, यहाँ दिखाते हैं आपको, टिकट बुकिंग काउंटर है, बुकिंग काउंटर क्लोज है क्योंकि ट्रेन नहीं है, यात्री नहीं है, तो टिकट किस बात का। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है, कुछ लोग हैं यहाँ घूमने फिरने के मकसद से आए होंगे, स्थानीय लोग हैं। यह मुख्य भवन स्टेशन का, यह सिटिंग एरिया, तो ये स्थिति है डुमरा स्टेशन की। वो स्टेशन जो सीतामढ़ी से एक स्टेशन पहले पड़ता है और मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच का एक अहम स्टेशन है,
अहम इसलिए है दोस्तों, छोटा स्टेशन तो है लेकिन अहम इसलिए है क्योंकि ये शहर से ठीक एक स्टेशन पहले है और यहीं से जो बाईपास है या यहीं पर पास में भीसा है, तो दो स्टेशन यहाँ पे आसपास में हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो है वो आप एक लाइन चली जाती है दरभंगा और एक लाइन आपकी चली जाती है मुजफ्फरपुर। तो दो लाइन निकलती है और भीसा वाली जो लाइन है वो दरभंगा जाती है और जो डुमरा वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये मुजफ्फरपुर चली जाती है। तो ये पाटलिपुत्र के पटना के कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और कोलकाता के लिहाज से भीसा वाली लाइन इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों ये इसलिए भी अहम है ये लाइन, और ये बनाया गया था लालू यादव जब रेल मंत्री थे उस समय इस रेल लाइन की रूपरेखा तैयार हुई थी, और ये रेल लाइन को इसलिए भविष्य के लिए तैयार किया गया था ताकि मुजफ्फरपुर से जो कनेक्टिविटी हो सीधे वो रक्सौल तक हो और रक्सौल होते हुए, और ये उस पर्पस को पूरा भी करता है। इसलिए रेलवे का ध्यान इस लाइन को गुड्स के ट्रेन के हिसाब से तैयार करने का था और वो रेलवे ने इसको तैयार किया है। इसलिए आप देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इस लाइन पर पहले तेज गति से चला है और दरभंगा वाली लाइन पर तेज गति से उतना नहीं हुआ, लेकिन इस लाइन पर अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो करीब करीब कभी भी इसका CRS हो सकता है, इस पर लाइन पर इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ सकती है। तो मालगाड़ी के लिहाज से रक्सौल से कनेक्टिविटी होना इस लाइन को तैयार किया गया था ताकि मुजफ्फरपुर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो वाया सीतामढ़ी, और उसको तैयार किया गया और उसी को लेकर के आज भी इसमें यात्री ट्रेन नहीं है लेकिन मालगाड़ी का इस्तेमाल बहुत है। हमें बताया गया कि इस लाइन पर मालगाड़ी इतनी चलती है, रोजाना करीब 12 से 18 मालगाड़ियां गुजरती हैं इस लाइन से, इसलिए और फायदा रेलवे को मालगाड़ी से है इसलिए उसका ध्यान मालगाड़ी पर ही है। तो दोस्तों डुमरा से हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लगातार ऐसी रिपोर्ट्स लगातार ग्राउंड जीरो से आपको ऐसी रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे, आपको अपनी मिट्टी की खुशबू का एहसास कराते रहेंगे। अगली बार आएगी बारी आपके कुछ और शहर, कुछ और गांव, कुछ और स्टेशन की। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार ऑन स्पॉट और दरभंगा रॉक्स भी। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।